तो मुंबई के बाद हमने रुख किया आईटी सिटी बेंगलुरु का। हमारी टीम पहुंची बेंगलुरु के फोर्टिस हॉस्पिटल, जहां पर हमारी मुलाकात मार्केटिंग मैनेजर परवेज सज्जाद के साथ होती है। परवेज के साथ मुलाकात और बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ता है और जैसे ही उनके सामने हम रेफर करने वाले मरीजों की बात रखते हैं, तो वो पूरी तरीके से हमारे साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका जितने भी मामले होंगे वो सारे मामले मैं हैंडल करूंगा। क्या कुछ बातचीत इनके साथ हमारी आगे बढ़ी, अब आप खुद ही सुन लीजिए। परवेज सज्जाद, सर बाईपास के मिल जाएंगे हमारे पास ऐप। इस समय 6-7 केसेस जो है, 6-7 केसेस बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टिक के हैं। इसके अलावा इस समय किडनी ट्रांसप्लांट का एक केस है, एक लिवर ट्रांसप्लांट का भी है, नी रिप्लेसमेंट के दो केसेस है। ओके, तो सर अपना क्या मतलब, क्या मतलब जैसे बाईपास वगैरह में हमारे क्या रहेगा? नहीं, जैसे हमारा जो रेफरल कट जो होता है, रेफरल जो कट जो होता है, वी विल नॉर्मली वी मेक इट ऑन 5% ऑन द टोटल बिल। ओके, सी देयर आर वेरी लॉट ऑफ अदर हॉस्पिटल हु विल गिव यू 10% ऑन ओनली द ओटी चार्जेस एंड द एक्सक्लूडिंग मेडिसिन एंड नॉन कंज्यूमेबल्स। ओके, अगर आप उसको निकालोगे और हमारा 5 नहीं डालोगे, इट इज बोथ द सेम, मगर सुनने के लिए 10 ज्यादा है, 5 कम है। अगर दिस प्रोसेस इन ए मंथ, लेट्स अज्यूम आई गेट 3-4%, सॉरी 4 पेशेंट, देन आई कैन एनहांस दिस सेम फॉर ऑल द पेशेंट अप टू 8-10%। ओके, आई कैन एनहांस मोर देन 4-5%, 5 पेशेंट्स। ओके, इट मे स्टिक फॉर 7, बट फॉर मेडिकल मैनेजमेंट केस इट मे बी लो, बिकॉज देयर द इन्वेस्टिगेशन इज मोर। स्टिल वी विल मेक इट अप ऑन द टोटल बिल, वी विल नॉट रिमूव मेडिसिन, वी विल नॉट रिमूव कंज्यूमेबल्स, इट इज ऑन फ्लैट टोटल बिल। ओके। तो मार्केटिंग मैनेजर परवेज ने हमें यह भी बताया कि हमें टोटल बिल पर 5% का कमीशन मिलेगा। बातचीत में परवेज ने यह भी कबूला कि तमाम छोटे अस्पताल किस तरीके से इनके साथ संपर्क में रहते हैं, जो इनके पास तमाम मरीजों को रेफर करते हैं। तो जैसे बाईपास पे यही रहेगा सही 5%, इस पे सर अपना नी रिप्लेसमेंट वगैरह पे इट बी अप्रोक्सीमेटली 5-6%। अच्छा, नो दैट इज फ्रीज बिकॉज ऑफ द इम्प्लांट, रिमेनिंग ऑल वी कैन डू इट। अच्छा, उसमें कोई वो तो नहीं है, कैपिंग तो नहीं है कि अगर जैसे बिल अगर मान लो पेशेंट का ज्यादा 10 लाख रुपए, तो हमारा है ना, क्योंकि 10 लाख का 5% अराउंड हो गया 50,000 रुपीज, आपको 50 ही मिलेगा एक्सक्लूडिंग टीडीएस। मान लो 20 लाख जा रहा तो 1 लाख मिलेगा हमें अप्रोक्सीमेटली। उसमें कोई वो तो नहीं है ना, कंफर्म है ना इस बात को, कोई कैपिंग तो नहीं है ना? चाहे 1 लाख, अगर हमें 1 लाख कमीशन बनना तो हमें 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिल रहा है 2 लाख बनेगा, 2 लाख। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा सर? चेक ओनली डॉक्टर के नाम से। ओके, कितना, जैसे मान लो मैंने कल पेशेंट भेजा आपके पास, पहला मंथ का चेक आपको लेट मिलेगा, बिकॉज एवरी रेफरल डॉक्टर will have a period or he has to generate, we have to generate a code in Delhi. Okay. So that will take a longer period. Mm-hmm. Normally, suppose अभी April का जो भी 1st to 30th होगा, we will take in this thing, we'll submit to account by 10th, we'll raise the code. So hopefully by 3rd week, we will receive the check. Okay. But from May, you will receive within second week, okay. Regularly. Okay. Either one of you can come and pick it up from me, और इधर भी कोरियर इंटरव्यू कैन डिपॉज। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा सर पेशेंट आने के बाद कहीं आप कहें कौन से एक हॉस्पिटल, कौन समीर? आई समीर।